सभी को शुभ प्रभात। सुबह के बज चुके हैं लगभग 10 और हम पहुंच चुके हैं पैठानी मार्केट में। पैठानी से खिरसू मार्ग पर चोपड़ा गांव के ऊपर और चौबट्टा खाल के नीचे ये लोकेशन है सेबाग। इस फार्म में सिंचाई के लिए ये बन रहा है बड़ा सा टैंक और सामने है रेस्ट रूम। ये ऊंचे ऊंचे पोल्स हैं नेट लगाने के लिए और यहां पर M1 एप्पल है स्टॉक रूट मेथड से लगाया गया है। नौगांव के रावत जी का सेबाग नाम से ये फार्म है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है कलासन कंपनी हिमाचल प्रदेश। और ये नेट को लगाने के लिए लगा रखे हैं ये पोल्स जो हैं, सोलर पैनल ऑपरेटेड है ये, जो बाउंड्री पे करंट छोड़ा गया है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के आसपास जानवर उससे बचने के। और ये ड्रिप इरिगेशन है पूरी। आगे है होम स्टे, तो ये है कुछ ये सेबाग इस लोकेशन का अब नाम पड़ चुका है। आज हम लोग जा रहे हैं भोटिया बकरियों के बच्चे लेने डोंडियो खाल। और ये हम पहुंच चुके हैं डोंडियो खाल में। यहां पर भोटिया बकरियों के, जिन्हें लुणियों या कांगड़ियों के बकरियां भी कहते हैं, उनके दो टोले आ रखे हैं। बिल्कुल डोंडियो खाल जहां पर मेला लगता है उसी के ऊपर पहला वाला टोला है। तो ये भाई पहले टोले के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। दूसरा टोली चला फिर। पहले टोले की बकरियां जा रखी हैं घास चरने और यहाँ पर है उनके छोटे छोटे बच्चे, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब दूसरे टोले के पास। भाई भाई आप लोग गड़ा ले चमोली है। हाँ ठीक है ठीक है, सब लोग चमोली का। चलो बढ़िया बढ़िया। गुण खिला ओम बथिए नो। तो ये टोली परसों यानी कि 19 तारीख को पहुंचेगी गुणखिला, ताराकुंड से भी काफी आगे। ये लोग हमारे यहाँ से होते हुए नहीं जाएंगे। ये लेके आ रखे ये लोग छोटी छोटी सोलर प्लेट्स जिससे ये अपना फोन चार्ज करते हैं। बस इतना थोड़ा सा है इनका खाना बनाने का सामान। अरे वो दिखा दे या तो दिखा दे। और इन भेड़ बकरियों को बड़ी तेज धूप लगती है इसीलिए सारे पेड़ों की छाया में बैठे हुए हैं। एक खाडू का बच्चा तो हमने ये पसंद कर लिया है। अरे ले जा मत तुमने, ले जा मजा नहीं करना। ये पहले कीमत देखा तो कदर हिसाब से समझ जाते मत ढोंड मत।
शत शत नमन है इन लोगों की मेहनत को। काफी मेहनती होते हैं ये चरवाहे लोग। अभी ये लोग बता रहे थे कि कभी कभार तो 6 महीने से पूरे 1 वर्ष तक ये अपने परिवार से दूर रहते हैं, और जंगल में कितनी मुश्किलें होती हैं आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे मत बोलो यार, इतने मेहनत से हम ढूंढ के ले आए। तो जो भी हम लोग अच्छी अच्छी भेड़ों के बच्चे छांट के लेके जा रहे हैं वो उन्हें बेचने से मना कर दे रहे हैं। एक ये हमें दो डॉगी थे, तीन। व्यवहार इन लोगों का बहुत ही मधुर होता है। आप जब भी इनके पास पहुंचें, चाहे आप भेड़े खरीदें या ना खरीदें, ये लोग सबसे पहले आपको चाय के लिए पूछेंगे, जो कि इनकी भेड़ों या बकरियों के दूध से बनी होती है। और अगर खाना खाने बैठे ये लोग तो आप लोगों को भी जरूर पूछेंगे कि थोड़ा सा खाना खा लीजिए। और अगर इनके जीवन के बारे में इनसे पूछा जाए, भेड़ बकरियों के बारे में इनसे पूछा जाए, तो बड़े प्यार से और तसल्ली से बताते हैं बिना चिढ़े हुए। डाली डाली फूलों की, पूरे के पूरे जंगल में प्यारे प्यारे बुरांस के फूल भी खिले हुए हैं। ये भी ठीक बोना चाहिए, टोक टोक लगने चाहिए। पकड़ा दीजिए, पकड़े मीम दे। हमें पसंद आ रही भाई ये बात। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। बड़े वाले भेड़ों के बच्चे ये बेच नहीं रहे, ये वैसे भेड़ों के बच्चे बेच रहे हैं जो बिल्कुल चलने में असमर्थ हों, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो चल ही लेंगे, इनको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी उनके साथ। ये देखा थी, ठीक है ना? ये ठीक है ना जो मैं लाया, ये वाला? तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बड़ी आस लेके हम लोग दो नए भेड़ के बच्चे छांट के लेके आए थे, फिर से उन्होंने उन्हें बेचने से मना कर दिया। और ये देखिए, हमसे ज्यादा मेहनत तो ये भाई साहब कर रहे हैं, कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के ऐसे मरियल से बच्चे लेके आ रहे हैं जो उनके लिए थोड़ा कम उपयोगी है। मन मार कर उनमें से एक बच्चा तो हम लोगों ने पसंद कर लिया है, लेकिन अब वैसा ही एक और दूसरा नहीं मिल पा रहा है। हमें 2 बच्चे लेके जाने हैं कम से कम। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। और ये देखिए भाई, ये है इनकी सारी बकरियों के टोले के रक्षक, इनके भूटिया कुत्ते, जिनका अब खाने का समय हो गया है। चार हो गए, 5 हो गए। ये अरे चोट लगी इसके, हैं 2 है कुत्ते आपके पास ना? हाँ जी, हाँ। तो फाइनली भाई एक बकरी तो हमारी तैयार हो चुकी है।
और एक का जुगाड़ आप कर देते ना, हम सीधा यहाँ से बाइक उठाते और निकल जा रहे थे हम घर, कुछ कर देते आप उसको ले जाने दो, मैंने देख लो थोड़ा सा कुछ क्या क्या बना है ऐसा कुछ कर दो और थूमे खोल नहीं क्या चल जाता देखिए कोई ना कोई करने वाला। अब हम फिर से दोबारा पहले वाले टोले के पास आ गए हैं, हमें वैसा ही जैसा हमने अभी छाटा है एक और भेड़ का बच्चा चाहिए। और ये देखिए प्यारे से पांच भेड़ के बच्चे हैं, ये शायद मुश्किल से आज या कल ही पैदा हुए होंगे। हाँ हाँ तारकुंड साइड, हमें नहीं पता था ना। ये लोग हमारे इलाके से होते हुए जाएंगे और ये पहुंचेंगे परसों यानी कि 19 तारीख को ताराकुंड। हमें नहीं पता था इनके बारे में कि ये हमारे इलाके से होते हुए जाएंगे। ये देखो भाई इतने घनघोर जंगल के बीच ये लोग रहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा केवल बकरियों का टोला है, बाकी भेड़ों का टोला जा रखा है घास चरने, और वो लोग आएंगे लगभग शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर मालिक साहब जा रखे हैं भेड़ों को चराने, और यहाँ पर भी जो हम लोग अच्छे भेड़ों के बच्चे छांट के लेके आ रहे हैं उसको ये लोग बेचने से मना कर दे रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर भी हमारा काम नहीं बना। भाई साहब हमारे लिए मरु नेत्रों ने बकरी ढूंढ रहे हैं, छांट छांट के छांट के लिए तुम भी बकरी को छांट के लिए तुम भी बीच में बकरी इधर ही वो तो वापस आने वाले होंगे, ये बाल काटने के लिए चाहिए बकरियों के अलग किस्मत के बाल काटने बकरों का बकर मट नहीं ये चुकी है ना भाई कान काटने के लिए और बाल 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 इससे काटते हैं इसको सिर्फ बनाना पड़ता है आज इसको सिर्फ बनाना पड़ता है नीचे सुधार में नीचे बना चले दूसरी वाली कैंची को हाथ की उंगलियों के बीच फंसाना पड़ता है और फिर उंगलियों से जोर लगाकर उसको दबाना पड़ता है जिससे हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन इस कैंची के साथ ऐसा नहीं है। अब 60,000 की बकरी दिखा रहे हैं हम आपको, खतरनाक बकरी, मतलब किसी ने पूजा के लिए रखा हुआ उसको है? पूजा के लिए रखा हुआ किसी ने? अच्छा अच्छा ये है भाई देखो 60,000 का बकरा गजब, ये देखिए आप ये 60,000 की बकरी किस गांव की भाई मतलब कहाँ के हैं ये लोग? अच्छा तो क्या है इसमें 60,000 मतलब किस हिसाब से दिया लगाया उन्होंने सर? अच्छा ये देखो भाई 60,000 का मतलब क्या है ये बोकटे है ये 60,000 का बोकटे देखो यहाँ पर छोटे बकरियों के बच्चों के गले के आसपास हमें खून सा दिखा तो हमने इनसे पूछा कान तो नहीं काटा उन्होंने अच्छा निशान अपने अपनी बकरियों के तो अच्छा सब क्या अलग अलग निशान होंगे ये क्या है देखो बकरी का कान काटा हुआ है निशान बनाने के लिए अपनी बकरी पहचानने के लिए इसकी कीमत क्या
अरे भाई साथ। तो फिर से हम लोग आ गए दूसरे वाले टोले के पास, जहां पर हमने पहले से पसंद किया हुआ एक भेड़ का बच्चा छोड़ा हुआ था, यानी कि एक छोटा खाडू छोड़ा हुआ था, और उसका पेमेंट हम पहले ही करके आ चुके थे। खड़ी वाली बढ़िया नस्ल की दी है ना, जबरदस्त, क्या बात है, बस चलो। हम लोगों ने सोचा अगर खाडू नहीं मिल रहा है तो कोई छौनी ही मिल जाए, यानी कि फीमेल भेड़ की बच्ची मिल जाए कोई, और ये दिखा रहे हैं ये लोग, लेकिन कीमत के हिसाब से हमें ये भी जायज नहीं लगा। खुटी खुटी चेक कर लेगी, अच्छा पूंछ लंबी, ठीक है। पालने लायक बड़ी भेड़े हैं इनके पास, लेकिन उनकी कीमत भी ज्यादा है, 7-8 हजार के आसपास, और उससे बड़ी भेड़े या बकरियां तो हैं ही। ये बेच रहे हैं बहुत छोटे बच्चों को, जिसके पाँव पे चोट लग जाती है, या जो भेड़ का पहली बार का बच्चा होता है, और साधारणतया पहली बार का बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, जो दूसरे और तीसरी बार के बच्चे होते हैं उन्हें ये लोग नहीं बेच रहे हैं। और ये शानदार सा गांव अभी आप देख रहे थे, ये है भैंसवाड़ा। मेरे उत्तराखंड में, और ये हम लोग मल्ली श्योली गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ शानदार से देसी बकरियों के बच्चे दिखे, लेकिन ये लोग अभी बेच नहीं रहे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, ये हम लोग पहुंच चुके हैं श्योली के शंभू भाई के पास। उनकी भी कुछ बकरियां हैं, तो उनसे भी पता करते हैं बकरियों के रेट के बारे में। एक कीमत एक गोपाल, एक गोपाल एक कीमत दीदी, सुनो जाओ बोले इस भेड़ के बच्चे की अगर कीमत की बात करें तो 2000 से 2500 के बीच में वो ये भेड़ के बच्चे बेच रहे हैं। शाल जी ना वो बठियोल चाची बात मुंह जंगल के कठोर वातावरण में ये भेड़े और बकरियां रहती हैं, तो हमारे गांव में तो आसानी से पल जाएंगी ये, और जिंदा रहने की प्रायिकता भी बहुत ज्यादा है। चल अब मैं आपको एक रोचक तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं। घर के जो छोटे पुत्र होते हैं उनके शौक देखिए, टीवी तोड़ना, खिलौने तोड़ना, लड़ना झगड़ना, और कन्याओं के जो शौक देखिए आप, बचपन से ही ऐसे होते हैं कि वो किसी न किसी रूप में परिवार की मदद कर रहे होते हैं। अच्छा
पंख पंख नहीं चलाना है अभी।